Hi, I'm Shivangi Joshi and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from Barsatein. आप स्माइल कर रहे हैं? आप स्माइल भी करते हैं? Of course. मेरे दोस्त की शादी है. मेरी भी दोस्त की शादी है. तो फिर तुम भी स्माइल करो. आराधना ने आज हमारी बेइज्जती करा दी. शर्मा जी के सामने सर झुक गया मेरा. आज अगर पूजा की शादी हो गई ना भक्ति, हम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. डिंकी तो बड़बड़ा भी रही थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था. लेकिन मुझे लगा डिंकी को क्या सीरियसली लेना. आप शांत हो जाइए, जाके देख लीजिए. क्या शांत हो जाइए, देखो ना लड़के साथ में भाग गई ना. चलो आराधना. ये क्या कर रही है तुम? पापा शादी हो गई है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते. पंडित जी क्या फिरे हो गए? हाँ, शादी हो गई जजमान. आराधना क्या मजा है? अंकल जो होना था हो चुका है, आप लोग शांत रहिए प्लीज. अब मैं कानूनन विक्रम की पत्नी हूँ, अब आप लोग रोक नहीं सकते. कौन से कमरे में बंद करेंगे, कितने फोन तोड़ेंगे आप? आप सब लोगों ने मेरे से ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ. मैं कोई क्रिमिनल नहीं, मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से मैंने विक्रम से शादी की है. अब मैं कानूनन विक्रम की पत्नी हूँ. इसकी शादी हो चुकी है और कानूनन शादी हुई है, हम विटनेस हैं उसके. और प्लीज ज्यादा एटीए मत, वरना नीचे पुलिस भी है और जज साहब मेरे साथ हैं. पूजा के साथ जबरदस्ती करना कानूनी अपराध है. मिस्टर लामा, आप मेरी बेटी के बॉस हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ. लेकिन आपने ये जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया. अंकल मैंने आपसे कहा था मेरे दोस्त अच्छा लड़का है, इनकी बेटी को नहीं मिलेगा. और ये पैसा आपका नहीं, इसके मम्मी डैडी का होना चाहिए. फैसला सिर्फ पूजा का है डैडी. आराधना मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है डैडी, आई गेट इट. पर पूजा विक्रम से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की. अब उनकी शादी हो चुकी है डैडी, तो कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है. आराधना अच्छा क्या फर्क पड़ता है, परिवार क्या सोचता है, माँ बाप क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है आराधना. हमने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें सिखाने की, लेकिन हमारी परवरिश कमजोर पड़ गई. आखिर तुम भी अपनी माँ की तरह. चुप रहिए आप, चुप रहिए आप. अरे तो बच्चे नहीं मानेंगे आप. चुप रहिए. इन सब में विक्रम का क्या फॉल्ट है डैडी? अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पूजा से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा. सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मॉम ने शादी नहीं की, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे कम समझ लिया. ये कहाँ का न्याय है डैडी? सही कह रही है आराधना. अंकल कोर्ट का ऑर्डर है, शादी हो चुकी है. क्या क्या मजाक हो रहा है, हम इस शादी को नहीं मानेंगे. अरे कौन है ये लड़का, कौन से परिवार से है, इसका सरनेम क्या है? अरे जो लड़का अपने बाप का नाम तक नहीं जानता उसे हम अपना दामाद. अरे माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा घर चाहते हैं और मेरे पास वो ही एक चीज नहीं है, परिवार घर. पर आंटी पूजा ही मेरा परिवार है, मैं उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने दूंगा. नाम का क्या आंटी, चलिए मैं पूजा का नाम ले लूंगा.
मिस्टर विक्रम पूजा शर्मा। ये नाम तो बहुत इज्जतदार नाम है ना। पापा आप खुद ही सोच के देखिए, ये लड़का जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, इसने तो साफ मना कर दिया था मुझसे शादी करने के लिए कि भाग के नहीं, आप सबके आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहता था। पर वो मैं ही थी जिसने इसे अल्टीमेटम दिया था कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप को मुझसे और मेरी खुशी से बढ़कर ये समाज है। पूजा, पूजा का रोका आपने इतना जल्दी तय कर दिया, इसलिए इतना ये जिद कर दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ अंकल, और आप तो अपनी बेटी की गुस्सा जानते हैं। मैंने जो किया अपने प्यार के लिए किया। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप पूजा को अपने साथ ले जाइए। विक्रम। नहीं पूजा, मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे माँ को नाम नहीं दिया, समाज में इज्जत नहीं दी, और मैं नहीं चाहता कि मैं और पूजा इस गलती को वापस से दोहराऊं। पूजा मेरे लिए सब कुछ है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे पाने के लिए आप लोगों को खो दे। मैंने जिंदगी भर अपने माओं को अकेले लड़ते हुए देखा है। बचपन से सिर्फ मेरा एक ही दोस्त रहा है, रियांश लांबा। न जाने क्यों स्कूल में उसने मुझ जैसे दब्बू को अपना दोस्त बनाया, और उसके पापा विवेक लांबा मेरे गार्डियन बन गए। तब से मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे फैमिली दी, इज्जत दी, जो मुझे कहीं और से नहीं मिली है। ले देखिए, यही मेरा परिवार है। और अब पूजा, पूजा कानून ने हमें एक तो बना दिया, लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ गई तो उम्र भर तुम्हें रिश्ते का टूटने का गम होगा। इस वक्त घर जाओ पूजा, और तुम देखना जब वो हमें और हमारे प्यार को जान जाएंगे तब वो खुद तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे। अंकल, कल मैं आपके घर आऊंगा, और अगर आपने मुझे अपनाया पूजा को अपने साथ लेके जाऊंगा। और आंटी, पूजा आपकी बनाई खिचड़ी की बहुत तारीफ करती है, थोड़ी खिचड़ी खिलाओगी ना आप मुझे? प्लीज पापा, प्लीज मम्मा, प्लीज। पूजा, चलो जागृति, चलो। देखा तुमने विक्रम, पूजा के पेरेंट्स ने तो फिर भी उसे माफ कर दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए। डैडी ना प्यार व्यार की बातों में हमेशा ऐसे रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता था बहुत प्रोटेक्टिव है जैसे सारे डैड्स होते हैं, पर आज आज तो ऐसा लगा जैसे उनकी नजरों में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। थैंक्स राज, तूने हमारे लिए आज इतना कुछ किया, पर मेरी वजह से अंकल इतना नाराज होके चले गए। तूने जो कुछ भी किया ना प्यार के लिए किया, तू देखना तेरे साथ ना आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। चल हमारे साथ घर चल। हाँ बेटा चलो ना हमारे साथ, और भाई साहब की चिंता मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा। अरे भाई जब हम मान गए हैं तो वो भी मानी जाएंगे। वही तो। आराधना बेटा चलो हमारे साथ। नहीं नहीं आंटी, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर रुक के आऊंगी। और अंकल आप तो डैडी को जानते ही हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, आप जाइए। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। पूजा कल आऊंगा मैं घर पे, पूरी इज्जत से विदा करिएगा अपनी बेटी को। जरूर बेटा, अच्छे लग रहे हो तुम शेरवानी में। ए, संभाल अपनी बीवी को।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.